भाइयों, अगर आपकी पत्नी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठोंस ले तो समझ लो या तो वो घर का काम निपटाएगी या आपको। सब लोग शादीशुदा जिंदगी से इतने परेशान हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, अपनी शादी की सालगिरह इतने धूमधाम से क्यों मनाते हैं भाई। भाइयों, अब वो दिन आ रहे हैं जब सुबह उठकर सबसे बड़ा फैसला लेना होता है कि नहा लूं या रहने दूं। भाइयों, मैंने एक छोटा सा जादू सीखा है। अगर सुबह 5 बजे उठकर आंखें बंद करें, 5 मिनट बाद खोलें तो 7 बज जाते हैं। भाइयों, मानसून का मतलब होता है ना किसी की मान ना किसी की सुन, मानसून। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, कीचड़ हो गया है क्योंकि बरसात के बाद। भाइयों, पति तो सभी का देवता समान होता है, बस पत्नी उसकी आरती कैसे उतारेगी ये उसकी हरकतों पर निर्भर करता है। भाइयों, घर में बीवी जीने नहीं देती और ऑफिस में बॉस, बताओ अब जाए तो जाए कहाँ। भाइयों, बारिश में जो ये बूंदा बांदी होती है, कोई मुझे बताएगा कि इसमें से बूंदा कौन होता है और बांदी कौन होती है, बताओ तो जाने। भाइयों, अगर लोग आपके लिए खड्डा खोद रहे हैं तो उसमें पौधा लगाओ और जब वो फल दे तो उन लोगों कर दिखा दिखा कर खाओ। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है, ऐसी अफवाहों से ठंड में दूर रहें। भैया, ये तो अच्छा है कि मरने के बाद इंसान अपने साथ मोबाइल नहीं ले जाता, नहीं तो अपना ये स्टेटस डाल देता, यमराज के साथ बिताए हुए कुछ पल। मेरा सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि वो मेरी पोस्ट पर आती रहें, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मैं अपनी पोस्ट में पतियों को काबू करने का मंत्र बताऊंगा। भाइयों, लोग कहते हैं जो हंसा उसका घर बसा, पर जिसका घर बसा उससे पूछो वो फिर कब हंसा। भैया, अपनी पत्नी से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो वही बात पूछती है आपसे जो वो पहले से ही जानती है।